अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, जेबी व्लॉग के साथ आपका भाई औरंगजेब खान एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा गुजर रहा है। आप बताएं आपका दिन कैसे गुजर रहा है? सर्दियों के दिन है, जैसे ही बंदा उठता है तो 12-1 बज जाते हैं। 12-1 बजने के बाद ना तो काम रूटीन, डेली रूटीन। तो अब मैंने तैयारी की हुई है, तो मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। हेयर स्टाइल भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हेयर स्टाइल के बगैर बंदा ऐसे लग रहा है जैसे कोई भूत हो। साथ के साथ आपका भाई ने अच्छे वाला परफ्यूम निकाला। और यूनिवर्सिटी में आजकल सारा दिन जो काम होता है वो हमने लैपटॉप के ऊपर करना होता है, तो लैपटॉप भी बैग के अंदर रख दिया और इसके साथ साथ चार्जर भी रख दिया, ताकि अगर ख़त्म हो जाए बैटरी तो चार्जर से बैटरी शैटरी फुल कर सकें। और इसके साथ साथ आपका भाई यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह करके यूनिवर्सिटी निकलते हैं। यूनिवर्सिटी का सफ़र मेरे घर से तकरीबन कोई 11-12 किलोमीटर है, और आपका भाई देखें किस तरह सर्दी के अंदर कुल्फ़ी बना हुआ है। सर्दी में यूनिवर्सिटी जाते वक्त मुझे एक चीज़ का एहसास होता है कि यार ये जो रात के वक्त खाना वगैरह देने जाते होते हैं बाइक के ऊपर, इतनी धुंध में यार ये किस तरह जाते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि इंसान को मजबूरियां क्या से क्या करवा देती हैं। खैर, मैं तो यूनिवर्सिटी जा रहा था, मैंने कहा चलो आपसे एक अच्छी बात भी शेयर कर लें। इसी तरह मैंने देखा यार कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिसके पीछे ना मैं अपनी बाइक लगा दूँ। मैंने पीछे देखा, आगे देखा, मुझे कोई नज़र नहीं है, लेकिन अचानक से पॉइंट आया और मैंने बाइक भगा के पॉइंट के पीछे लगाया और थोड़ी सर्दी की शिद्दत कम हो गई। बड़ा हरामी हो बेटा। इस तरह 15 से 20 मिनट आपके भाई को लगे और आपका भाई यूनिवर्सिटी में एंट्री मार दी धमाकेदार। यूनिवर्सिटी की खूबसूरती तो आप देख रहे हैं, किस तरह हरी भरी, जो खूबसूरती आप कह रहे हैं वो भी खूबसूरती आपको नजर आएगी। शाबाश बेटा। तो यूनिवर्सिटी में आजकल पेपर चल रहे हैं। खैर, आपके भाई ने डिपार्टमेंट में एंट्री मारी और इस तरफ देखा बॉटनी डिपार्टमेंट था और मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जाना था। शक्ल मेरी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। नाक मेरा रेड हो चुका था और आंखों से मेरे ऐसे पानी आ रहा था जैसे मुझे किसी की शिद्दत वाली याद आई हो। चल झूठा। और ऐसी याद आई हो कि आंखों से पानी 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 पानी। डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी की वजह से सारा खाली था। खाली डिपार्टमेंट में मैंने क्या करना था, मैंने बैग रख के और बाहर आ गया धूप के अंदर। नीचे स्टूडेंट पढ़ रहे थे और आपका भाई बाहर ठहर कर धूप सेकने लग गया। इसी तरह काम भी बहुत ज़रूरी होता है और आपका भाई अंदर लैब में आ गया। सर्दी बहुत ज़्यादा थी लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, पेंडिंग पड़ा होता। तो मैंने लैपटॉप उठाया, लैपटॉप उठाने के बाद पेपर खोले, पेपर खोलने के बाद सोचने लग गया कि यार इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना। खैर, वो तो आपको समझ नहीं आएगा, वो मेरा काम है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक, आपके भाई ने पूरे 35 मिनट और 40 सेकंड की स्टडी करने के बाद आखिरकार ये सोचा कि क्यों ना इसको बंद करके किसी अच्छी जगह बाहर बैठकर चाय पी जाए। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आपके भाई ने फैसला किया कि आज यूनिवर्सिटी में एक अच्छा सा सैयदा डेरा है, उसके ऊपर डेरे जमाते हैं। मैंने अपने एक कुलीग को कॉल की, उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। चौधरी साहब, इस डेरे को बने हुए कितना अरसा हुआ है? 8-10 माह। लेकिन माहौल तो काफी जबरदस्त माहौल है। लेकिन हमें क्या फायदा, हम तो दोनों भाई साथ आए हैं। हमारे नसीब में कब तक ये सिंगल लोग सिंगल ही हैं। हमारे नसीब में आखिर कब तक ये सिंगल बने? उसके उनके लिए सब सभी कुछ नहीं हुआ, कुछ पुराना नहीं, जब है ही सिंगल। खैर, मेरी तरह का सिंगल बंदा चाय के इंतजार में सिर्फ एक चीज ही ताड़ सकता है, वो है कपल कंट्रोल। इधर कपल्स, उधर कपल्स, इधर कपल्स। या अल्लाह, मेरे नसीब में आखिर कब तक सिंगलपन है। फाइनली 6 घंटे बाद ऑर्डर लेने के बाद वकार साहब चाय का ही खत्म है। खत्म है? क्या वजह? ठंडी हो गई है। चाय की चुस्की ली और जैसे नाम मैंने सुना था ना कि सैयदा तेरा, कोई स्पेशल चाय होगी। चाय को मैं रेट करूंगा 4 out of 10। जी वकार साहब, कैसी लगी आपको चाय? मजा नहीं है? पता नहीं आज आप आए इसलिए। जहाँ पे हम जाते हैं ना, नहीं अच्छी होती है। नहीं यार, इसको तो मैं 10 में से 4 नंबर से नहीं बना रहे। दरअसल दरअसल देखो ना, रश इतना ज़्यादा है और वो कहते हैं ना इनपुट कम है आउटपुट ज़्यादा है ना, तो उन्होंने क्या दूध डाला दूध के अंदर, वैसे दे दिया। हालांकि जो अच्छी चाय बनती है ना उसके ऊपर कम से कम 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं। ये दूध कच्चा कच्चा लग रहा है। हाँ, कच्चा स्मेल आ रही है थोड़ी सी। 3 hours later। यार हमदा, मैं आपको कॉल कर रहा था, आपने कॉल नहीं उठाई। मैं बाद हम वो बोतल मंगा के दे, मेरे को ऑलरेडी 10 लाई वो पैक रख दी। नहीं पैक कहते, सिर्फ फेंक दो उतू पे, कोई मत ताकि कहीं पर बड़े बड़े। अच्छा, तुम्हारी कॉल आ रही है यार। बात
हम स्टूडेंट एक चीज फर्ज समझ लेते हैं, जब हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो स्नैप जरूर बनाते हैं, तो आपके भाई ने मिरर स्नैप बनाई। इसके साथ साथ हम अंदर आ गए और अंदर मेरा दोस्त शर्माते हुए कह रहा था कि यार मेरी वीडियो ना बनाई। मैंने कहा नहीं नहीं, तू बहुत प्यारा आ रहा है। खैर पहले पहले हमसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि यार हम क्या पिज़्ज़ा खाएं या कोई बर्गर खाएं या कोई सैंडविच खाएं, क्या खाएं। उसने मुझसे पूछा, मैंने उसे पूछा, मैंने कहा यार तू बता, तू मेरे पास है। उसने कहा नहीं, ये कोई भला फ़र्क है, हम इतने अर्से से साथ मिल रहे हैं। खैर हमने डिसाइड कर लिया और उसे बुलाया कि भाई हमारी बात सुने। खैर 5 मिनट के तकल्लुफ के बाद हमने भाई साहब से कहा, भाई साहब एक क्लब सैंडविच कर दें। और इसके साथ साथ मैंने कहा यार बोतल तो रहने दे, क्योंकि आजकल जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है सर्दी की वजह से। तो हमने साथ में 2 चाय की, 1 कार्डमम चाय की और उसके साथ साथ 1 दूध पत्ते की। रश बहुत कम था और उन्होंने जाते ही 10 से 15 मिनट में हमारा ऑर्डर दे दिया। इसके दरमियान हमने बहुत मज़े की बातें की, क्योंकि एक दोस्त जब दूसरे दोस्त से मिलता और हो भी वो बचपन का दोस्त, तो पुराने किस्से छेड़ देता है। और साथ के साथ भाई साहब जो जानू मानू वाले होते हैं, उन्होंने स्नैप बनाना, बेबी हम यहाँ पे गए, बेबी हमने ये खाया, तो वो कहती ओके हम चाह आप खा लें। बुरा लगता है भाई आप लोग। मज़े की बात, भाई का नाम भी हमजा। वैसे ना इनका जो क्लब सैंडविच है ना, लास्ट टाइम तो अच्छा था, अब चेक करते हैं वो कैसा है। यस यार हमदा तेरी चाय ठंडी हो गई। ठंडी हो गई है ना। हाँ अब इसके ऊपर कोई शेर आना चाहिए। नहीं है ना, आज का जो सीन आपके साथ बना है उसके ऊपर तो वैसे बनता है। सर अदीबों के लाख शेरों के बावजूद महंगा तोहफा होता है ना, वो आपके शेरों पे जो है ना वो लानत फेर देता है। अच्छा वैसे आप उसकी बात है, तो सैंडविच कैसे लगा? अच्छा था। अब भाई साहब ने मंगवाई है सिंपल दूध पत्ती और आपके भाई ने मंगवाई है कार्डमम, तो इसको चेक करते हैं कि ओए चेक कर कोई भैंस की तुम, जब आती है ना साथ में कोई तो इस तरह बना के देते हैं। लेकिन अब तुम सिंगल लौंडे हैं, क्या फ़ायदा है बनाने का। ऐसे ही मैंने कुछ कहा, अभी भी कहा, आप कहो तो सही है, अभी तो कोई अच्छा हमने ये बता खाना कैसे लगा? खाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना खाना? वैसे यहाँ पे तो प्यारा आ रहा है, क्या वजह है? तो प्यारे है ना, आखिर इस हुस्न की क्या वजह है? ये वो जो घर मिलता है ना, बैसो ना। अच्छा ये बता एक्सपीरियंस कैसा रहा है? वैसे तो हमें तो 7-8 साल हो गए, अच्छा रहता है, लेकिन बस ये है कि पैसे ले लेते हैं। पैसे किस चीज़ के? इतने साल में तो रिश्तेदारी बन जाती है, लेकिन पैसे ज़्यादा लेते हैं। अच्छा वैसे खाना मज़े का था? वैसे खाना तो नहीं था उसे, हम क्या कहें, सैंडविच मज़े का था, सैंडविच और चाय भी बस ठीक थे। ये अच्छी लगी, एवरेज थी। इसके साथ साथ आज का व्लॉग तो यहाँ पे खत्म, मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई औरंगजेब और हमारे वकील साहब, पीटीए के वकील साहब की इजाज़त दीजिए।